क्रिकेट में नेचुरली पाकिस्तान की जो टीम है वो एक्शन में कल से नजर आने वाली है. पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो T20 सीरीज है, 5 T20 सीरीज का पहला मैच कल होगा रावलपिंडी में. और जाहिर है लेट्स जस्ट होप कि बारिश की वजह से रंग में भंग जो है वो ना पड़े. रावलपिंडी में इंटरनेशनल मैच हो रहा है, आई एम प्रीटी श्योर, और मौसम भी बड़ा खुशगवार है. लोग बड़ी तादाद में जो है वो वहाँ पे मैच देखने आ रहे होंगे. आई एम अज्यूमिंग द टिकट सेल्स वुड बी गोइंग फाइन टू, लेकिन जाहिर है बारिश वाला एक फैक्टर है. और जैसे कि मैंने आपसे कल जिक्र भी किया था, मैं थोड़ी देर पहले ही मैं जिक्र कर रहा था कि कल इस्लामाबाद में जो है वो काफ़ी बारिश का इम्कान है. बल्कि ख्याल यही है कि कल शायद पूरा दिन ही वहाँ पे जो है वो बारिश का ये सिलसिला चलता रहे. और कोई बहुत ज़्यादा मैसिव रिप्रीव जो है वो सैटरडे को भी नहीं मिल रही है. एंड या आई डोंट नो वेदर ये इस्लामाबाद वाला लेग जो है ये पूरा ही कहीं ख़राब ना हो जाए इस बारिश की वजह से. बट लेट्स सी. ज़ाहिर है जी, पाकिस्तान की टीम के हवाले से आपने ये बातें भी सुन ली हैं. कल अजहर महमूद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनका ये कहना था कि ज़रूरी नहीं है कि बाबर आजम भी तमाम मैचेस ही खेलें. यानी पाकिस्तान टीम का जो इरादा है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस है ऑन द रोटेशन, और होना भी ऐसे ही चाहिए. न्यूजीलैंड ने अपनी जितनी कमज़ोर टीम जो है वो खेलने को भेजी है. पाकिस्तान के पास रोटेशन के अलावा अगर पाकिस्तान अपनी पूरी की पूरी फुल स्ट्रेंथ टीम खिलाएगा तो इससे ज्यादा डिफेंसिव स्ट्रेटजी तो पाकिस्तान की जाहिर है इस हवाले से हो ही नहीं सकती. सो चलें जी, गुड लक. देखते हैं जी क्या रहता है सिलसिला.